पर ये तो सूखी रहते है, जल भी तो चाहिए हमें। नदी से लाना पड़ेगा। मैया ने नदी के पास जाने को मना किया है। ये रही हो जल। पर यहाँ तक कैसे लाए? श्रृंखला बनाते हैं। स्वामी, कान्हा इनसे उद्यान बनाते हैं। बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। के आरण में अब होगु राजसी भोग। येरी ध्वजा और येरी उसकी डंडी। Thank you.
हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। अरे रुको, 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 अरे रुको, रुको। कान्हा, वहाँ मत चढ़, पुरानी संकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगो दाओ। सुना ना आपने, ये संकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु, उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख काना, कहीं नील तो ना पड़ गया है? पैर में लगी है ना, एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी, सुच तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कोई मुझे उठाएगा भी? काना, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है काना, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। काना, क्या होगा? काना, चोट लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है सुधा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, काना भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा, कष्ट बढ़ गया हो क्या? कान्हा, चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, मैया को पता चला मैं पहले दिन ही गिर गयो तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा, रो मत, मेरा घर यहाँ निकट में है, वहाँ ले चलती हूँ फिर औषधि लगा दूंगी।
तुझे अच्छा ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। है? मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जाना भी है। कान्हा तू तो चिंता मत कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल तुझे घर ले चलते हैं। कितो अच्छो हो तो ना, यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जातो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा अब कुछ ही दूर और है, तुम घर पहुंचने वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी, ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाप की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना तो बहुत कष्ट है सच्ची। हाँ हाँ चलो शीघ्र चलो। पट्टी अधिक तो नहीं कस गई महाराज? और कसो। महाराज पीड़ा के लिए ये औषधि। मेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि। मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई, यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा, मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ सच्ची। क्यों मेरा कान्हा,
तुझे क्या होगा? हाँ? अनहा? चोट लगी क्या? क्या होगा काना? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ? चित तो भूला है जी, वो भी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण हो गया उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले, तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है, देखना जैसे ही वो लेप लगाएंगी कष्ट ऐसे भाग जाएगा। मैया बस लल्ला बस। लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी हो तो है, कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर दे तो है। मैया आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। हल्दी का लेप है मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है, कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा, फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा जे कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया, इसका बाद आपका घाव स्वयं पूछेगा, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या होता है? अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई
अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना ये संजोग ना है नंद जी, बता किसकी भूल से लगी है ये चोट? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.